छोटा सा संदेश देना चाहूंगा मैं मोदी जी को। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई बंधुओं से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मोदी तक पहुंचाएं। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, मैं भी कहीं भारतीय सेना का जवान हूँ, यहाँ की जो हालत है मैं उसको देख के मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद श्रीनगर में पोस्टेड हूँ। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर की जो जनता है ना बेंचो, कोई भी भारतीय सेना को सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ की पब्लिक को भैंसों इतनी फैसिलिटी क्यों, इनको इलेक्ट्रिसिटी बिजली पानी सब कुछ इतना फ्री में क्यों दे रहे। मैं बस भारत सरकार से इतनी गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए सिर्फ एक कानून पास कर दिया जाए, ये जो जितने भी पत्थरबाज और मिलिटेंटों को अपने भीड़ में छुपाना, अपने घरों में छुपाना, ये जो सब जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं अपील चाहता हूँ कि भैंसों भारतीय सेना को ये ऑर्डर पास कर दिया जाए कि जो भी ये भीड़ रैली ये जो इतना कुछ कर रहे हैं उनको डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर दे दिया जाए। यहाँ पे एक सिविलियन आता है हमारे मुंह पे तमाचा मार के चला जाएगा, हम बेंचो तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय सेना को ये पावर दे देनी चाहिए कि जो कोई भी ये रैली कर रहा है, कि जो कोई भी यहाँ पे पत्थरबाजी करता है, आंदोलन करता है हमारे खिलाफ, भारतीय सेना मुर्दाबाद ये वो जितने भी करते हैं, हमारी सेना को क्लियर कट ऑर्डर मिलना चाहिए उन सालों को डायरेक्ट गोली मारने का, क्योंकि जो हमारी इधर हमारे फ्री का खाके हमारी थाली में शेर करे उन बहन चोदों को यहाँ पे जीने का कोई हक नहीं है। वो जो ये जितने भी सपोर्टर हैं ना पाकिस्तान के इंडिया में, बहन के लोगों को सबको पैक करके फेंक दो पाकिस्तान में, जब तक अंदर का कचरा साफ नहीं करोगे तुम बाहर वालों को कुछ नहीं खा पाओगे। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि इस चर्चे पर भी कुछ हल निकाला जाए, ये जो पत्थरबाजी करते हैं इनको डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर दे दिया जाए, क्योंकि एक बार दो बार तीन बार ठोकेंगे भैंसों दोबारा कोई ये पत्थरबाजी नहीं करेगा। और तो और ये भैंस अपने घर के बाहर निकलने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। यहाँ पे भैंस भारतीय सेना का खौफ होना चाहिए, लेकिन भारतीय सेना यहाँ पे भैंस सिविलियनों से डर के रह रही है, ऐसा क्यों है? मोदी जी इसके बारे में कुछ ना कुछ हल जरूर निकालिए, क्योंकि जब भी कोई मिलिटेंट आता है ये भैंसों और पत्थरबाजी भीड़भड़ाका वाला इलाका कर लेते हैं और वहां से उनको छुपा के लेके चले जाते हैं, और उनको पता है कि भारतीय सेना बैजन के ऊपर ना तो फायर कर सकती ना कुछ। सिविलियनों की इतनी हिम्मत है कि हमारे हाथ से राइफल छीन के ले जाने की कोशिश करते हैं और हम चाहकर भी उनके ऊपर फायर नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? बैंचो जो ऐसा करता है डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर दे दिया जाए हमें।